आज हम बनाएंगे मूंग दाल का चीला और टमाटर की चटनी। और ये सजेशंस एक्चुअली व्यूअर्स ने दिया है, सो आई एम ट्राइंग। तो सबसे पहले टमाटर चटनी के लिए हमने लिया तेल। अब इसमें मैं डालूंगी प्याज। अब जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो मैं मिर्ची डालूंगी। इसके बाद अब मैंने ये टमेटो जो है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, बड़े बड़े पीसेस, बिकॉज हमें इसको ग्राइंड ही करना है। ये सोक्ड इमली है, इमली को मैंने पानी में, गर्म पानी में भिगो के थोड़ा सा मैश कर लिया था, इसका पानी डालेंगे खटास के लिए। ये मैंने हिला दिया अच्छे से। तो ये मेरा पूरा चटनी का मिक्सचर तैयार हो गया है, अब मैं इसको मिक्सी में डाल रही हूँ। इसमें आप नमक अपने हिसाब से डाल सकते हो, मैंने थोड़ा सा नमक डाला था जब मैं बना रही थी, और बाद में अगर आपको लगता है कि नमक कम है यू कैन एडजस्ट द सीजनिंग। हमारी चटनी बन चुकी है और इसको अब हम खाएंगे अपने चीले के साथ। अब चलते हैं चीले की तरफ। चीले के लिए ये मूंग दाल भिगोई थी थोड़ी, 2 to 3 hours यू कैन सोक इट इन वॉर्म वाटर। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा पानी कम करके एडजस्ट करना है हमने पानी, और मिक्सी के जार के अंदर हमने ये मूंग दाल डाल दी है, उसका थोड़ा सा जो पानी था वो भी डाल दिया है, और हल्की सी अदरक और एक मिर्ची, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो पुट गार्लिक, मैंने नहीं डाला है। अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है, और इसमें अब हम नमक डालेंगे एज पर योर टेस्ट। अब एक लैडल भर के मैं इसे तवे के ऊपर डालूंगी और इसको हम स्प्रेड कर देंगे जैसे डोसे के बैटर को करते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे ऊपर से, इसको निकाल लेंगे। फिर मूंग दाल का चीला इज रेडी विद द टोमेटो चटनी। सो थैंक यू फॉर द सजेशन एवरीवन। और काफ़ी क्रिस्प बन गया है ये, मुझे लगा था क्रिस्प नहीं बनेगा। सो ऑन माई प्लेट टुडे दैट्स कीचू शोना। He is full of calories because he's very, 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 very sweet and I love him. And one day I'm gonna eat him. Pura ka pura. Main kichu ko kha jaungi. Da hai lunch mein. Didi ke haath ka patta gobi. Okay. Aur dal. Dal chawal Arjun khayenge. Main dal roti aur patta gobi khaungi. और जो व्यूअर्स ये सोच रहे हैं कि कल भी इसने सेम कपड़े पहने थे, आई एम जस्ट गोना टेक अ बाथ आफ्टर सम टाइम, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द टैंकी का पानी। वो वॉशरूम में काम चल रहा है ना? यस, फिटिंग्स चेंज हो रही हैं। फिटिंग्स चेंज हो रही है, मैं ही कर रही हूं एक्चुअली फिटिंग्स। हां, ये खुद ही चेंज कर रही है। अभी मम्मी ऊपर आई हैं, कीचू गोदी में आया बेबी दादी की। हेलो सर, हेलो सर, हां जी, लव यू, आई लव यू। तो दाल का पानी फुर फुर करके बाहर निकाल रहा था। आज थोड़ा सा ही गया। रेसिपी चेंज हो गई ना आज? नहीं, रेसिपी तो बेटर था आज, आज का बेटर था, वैसे ही पिलाना है इसको। कल पानी पानी था, आज थोड़ा सॉलिड सॉलिड नहीं, मतलब थोड़ा ज्यादा गाढ़ा था, थोड़ा सा थिक था। कोई बात नहीं, कल पतला फर्स्ट डे था ना। हां, 10 दिन तक पिलाना ही है उन्होंने कहा, 7 to 10 days करना है। So genuinely on my plate today there is no kichu. There's roti, there's dal, there's patta gobi and some salad. You can also have khire ka raita ya fir bundi ka raita. Bundi ki waise fried hoti hai, but it's okay. Once in a while you can also have pyaaz tamatar ka raita, hari chutney ka raita. So yeah. Time bata do. Time ho raha hai 4. Kyunki maine nashta kiya tha around 1:15-1:30. So this is my lunch time. So this is my final meal. It is right now 8:35. तो ये है मेरी muesli जो मैंने इस bowl में निकाल ली है। ये fruit and nut muesli है जो आपको कहीं पे भी मिल सकती है, online भी और local stores में भी। अब इसमें मैं डालूंगी दूध। Fruits काट के रखे हैं, banana और apple। तो मैं इसको इसमें डाल दूंगी। ये इसलिए कर रही हूँ ताकि ये फिलिंग लगे, मुझे रात को भूख ना लगे, सिंस दिस इज माई लास्ट मील। यू कैन ऑल्सो हैव इट फॉर ब्रेकफास्ट विच इज़ बेटर।
I'll just mix it properly. I'm not adding sugar because banana already has high sugar content. Simple hai. Aaj ka dinner sabse simple. So this is my final meal and it's ready. It's 8:40 right now. I'll just finish this. Aur kichu ro raha hai. So this was day 6 of my intermittent fasting. Mera fasting period shuru hota hai ab, which is 9 o'clock. Aur ab main khaungi kal 1 o'clock. तो आप लोगों की जर्नी कैसी जा रही है? थैंक यू फॉर सच लवली सजेशंस यस्टरडे. आप लोगों ने सजेस्ट किया था मूंग दाल का चीला भी, तो आज हमने ट्राई किया एंड केम आउट रियली वेल. सो कीप ड्रॉपिंग मैसेजेस एंड कीप ड्रॉपिंग कमेंट्स कि क्या क्या बनाना चाहिए और क्या क्या हेल्थी चीजें हैं जो मैं इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ अपनी डाइट में. ऑल द बेस्ट एंड दिस इज दिव्या हरचाई साइनिंग ऑफ.